नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर एसपी वर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट एट द बी क्लिनिक कानपुर। आइए बात करते हैं 40 वर्षीय शिवनाथ जी के बारे में। शिवनाथ जी को पिछले एक साल से लेटिन के रास्ते से ब्लड आने की समस्या थी, जिसमें उनको खुजली, जलन भी होती थी, लेटिन करते समय असहनीय दर्द भी होता था, लेटिन के बाहरी रास्ते में मस्से भी थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से उन्होंने हमारी टीम से संपर्क किया। उनका हम लोगों ने सिर्फ 2 महीने इलाज किया। इस 2 महीने के इलाज में वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। आइए जानते हैं पेशेंट की सक्सेस स्टोरी। हेलो जी, शिवनाथ जी से बात हो रही है? हाँ जी जी, नमस्कार सर, मैं वी क्लिनिक कानपुर से बात कर रहा हूँ। जी, ये फीडबैक कॉल है, ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है सर? जी सर। हाँ, अभी कितने परसेंट आपको आराम हो गया सर? मेरे को सर बिल्कुल 100% आराम। अच्छा, पूरी तरीके से मतलब ठीक है? हाँ, मेरे बेटा बता पाएंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी मेडिसिन लेने से पहले? मेरे को सर पहले बाथरूम जाता था ना, हाँ, तब ब्लड आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मतलब ठीक है? हाँ, अभी तो मेरे बिल्कुल मतलब दवाई जैसे मैंने शुरू की ना, 10 दिन के अंदर मेरे को आराम मिल गया। 10 दिन के अंदर ही? हाँ, तो जैसे मैं फ्रेश होने जाता था तो ब्लड आता था, और उसके ऐसे किनारे जैसे अपने सर्दी में होठ फट जाते हैं ना, ऐसे कट लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब और कोई दिक्कत तो नहीं हमारी मेडिसिन से, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत बढ़िया मेरे को तो असर कर रही है। चलिए ठीक है। और हमारे यहाँ से आपको रेगुलर कॉल किया जाता था सर? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, टाइम टाइम से मेरे से बात की जाती थी, और टाइम से मैंने दवाई मंगाई, वैसे मेरे पास टाइम से दवाई आ गई, 2 महीने का मैंने कोर्स लिया, अभी 5-7 दिन की बची है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद ठीक है, ठीक है, खाने पीने का ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो कॉल करेगा, ठीक है? जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। ओके। यदि आपको पाइल्स, फिसर, फिसुला जैसी कोई दिक्कत है, या आपने पाइल से जुड़ा हुआ कोई भी ऑपरेशन कराया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।